गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैसे हो सब? बढ़िया मस्त। चलो देखो भाई, जो अपना 10th क्लास है, आ रहा है इसमें स्क्रीन पे यहाँ पर? ठीक है, अपन बात करेंगे यूनिट 5th की। यूनिट 5th है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ठीक है, इसको समानांतर श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी श्रेणी चलती है, जो सीरीज चलती है इसकी, ठीक है, उसके सभी पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। अंतर समान है इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो सभी पद मतलब जो सभी पद हैं वो एडजेसेंट पद होते हैं। एडजेसेंट मतलब क्रमित पद, क्रमित पदों का अंतर समान होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अपना चैप्टर क्या था? यूनिट थी अपनी समानांतर श्रेणी। क्या है तो यूनिट है अपनी 5th यूनिट है, चैप्टर है आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? जैसे कि मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, ये एक समानांतर श्रेणी चल रही है। ठीक है, इसको पहले चेक करेंगे कि ये समानांतर श्रेणी है या नहीं है। ये एक सीरीज है, सीरीज मतलब ये दिख रही है आपको श्रेणी है। ठीक है, तो इसके देखो मैं बोल रहा हूँ क्रमित पदों का अंतर समान होना चाहिए, क्रमित क्रम में, क्योंकि ये क्रम में कौन से नंबर पे है? पहले पर। ये कौन से पे है? दूसरे पर। ये कौन से पर है? तीसरे, ये चौथे पर, ये पांचवे पर। तो क्रमित पदों का अंतर मतलब इसके क्रम के बाद में अगला क्रम इसका आएगा, इस 4 के बाद में अगला क्रम 6 का आएगा, फिर 6 के बाद में 8 का आएगा। तो अब आप बताओ 4 में से 2 को लेस करो कितना बचेगा? 2। 6 में से 4 को डिवाइड करो, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2। 8 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2। 10 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2। देख रहे हो सभी पदों का अंतर, सभी क्रमित पदों का अंतर क्या है? समान है, समान है। यहाँ पर क्या है? 2 है। तो मतलब ये क्या है? एपी है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसको चेक करते हैं कि ये कोई समानांतर श्रेणी है नहीं, तो देखो 3 में से मैं -1 को लेस करूंगा, 3 माइनस -1 क्या आया मेरा? 4। ठीक है, इसमें से इसको लेस करूंगा, 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5। अंतर समान है क्या बताओ? इन दोनों पदों का अंतर था 4 और इन दोनों पदों का अंतर कितना आ गया? 5। तो मतलब ये एपी नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है आप। ठीक है भाई, सभी पदों का अंतर समान हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एपी। उसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीरीज को क्या बोलेंगे अपन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो देखो भैया, अगर एक चीज़ देखना, अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था 2, 4, 6, 8 ऐसे एक सीरीज थी। ठीक है, इस सीरीज का जो पहला पद है, प्रारंभिक पद है, उसको मैं डिनोट करूंगा ए से। ए क्या है मेरी? प्रारंभिक पद। ठीक है, इनिशियल टर्म। मतलब जहां से श्रेणी की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है, उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? ए से। क्लियर है? फिर देखो, मैंने ये बोला था इसका अंतर, इन सभी पदों का अंतर क्या है? समान है। तो वो क्या है? समानांतर से। तो इन सभी का अंतर को मैं बोलूंगा सार्वअंतर, सभी का अंतर, इसको क्या बोलूंगा मैं? सार्वअंतर। और इसको किससे डिनोट करूंगा? डी से, डिफरेंस। सार्वअंतर क्या बोलेंगे अपन? कॉमन डिफरेंस। डी मेरा क्या है? सार्वअंतर।
क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आएगा कैसे ये, अगले पद में से पहले वाले पद को लेस कर दो, ठीक है, अगले पद में से पिछले वाले को लेस कर दो, तो मैं ये बोल सकता हूँ a2 - a1, पहले दूसरे में से पहले को लेस कर दो, या फिर तीसरे में से दूसरे को लेस कर दो, देखो तीसरे में से दूसरे को लेस कर दो, या फिर चौथे में से तीसरे को, लेकिन क्रमित पदों का अंतर होना चाहिए। देखो मैंने 1 का और 3 का डिफरेंस नहीं लिया, क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्रम अगला किसका आएगा, 4 का आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रमित पदों का अंतर, डिफरेंस ऑफ एडजस्टेंट नंबर्स। ठीक है, समझ रहे हो, क्रमित पदों का अंतर लेना है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो कि ये सीरीज नहीं पता मुझे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 2 है या नहीं, बोलो पदों का अंतर कितना है, 2। अगर कोई सीरीज है मेरी, कोई श्रेणी है, वो 3 से स्टार्ट है, प्रारंभिक पद क्या है उसका, 3 है, और अगर उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी ले लो 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो अगला पद क्या होगा बताओ, क्या होगा, 7। भाई 4 है तो 4 जुड़ जाएगा अब इसमें, है या नहीं है, फिर अगला क्या होगा, 11, फिर 15, ऐसे चलती जाएगी। आपने क्या किया, चलो मुझे बताओ, आपने पहले पद को तो आपने एज इट इज लिख दिया, दूसरे वाले पद में a+d किया है, नहीं किया बोलो, तीसरे पद में क्या करा आपने, a+d, इसके अंदर d जोड़ा, इस वाले पद के अंदर d जोड़ा, और पहले वाला दूसरा वाला पद क्या था, a+d, तो अगले वाले पद में भी d जोड़ोगे तो a+2d हो जाएगा, नहीं होगा बोलो, चेक करो भाई, इसके अंदर d जोड़ेंगे तो a+d + d, तो a+2d हो जाएगा, फिर इसके अंदर d जोड़ेंगे तो a क्या आएगा अगला, a+3d आएगा, नहीं आएगा, और फिर अगले वाले में करेंगे a+4d, बोलो ऐसे ही सीक्वेंस चलते जाएगी, बोलो चलती जाएगी नहीं। अब देखो यहाँ से मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, ठीक है, पहला पद क्या था, 3, और यहाँ पहला पद a है या नहीं है, क्या इसमें d आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, फिर देखो दूसरे पद 7 था, दूसरा पद है, इसको मैं बोल दूँ पहला पद, इसको मैं बोल दूँ दूसरा, इसको मैं बोल दिया थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे लिख लेता हूँ, चलो ठीक, समझ गए। तो आप मुझे बताओ कि जो फर्स्ट टर्म थी उसमें आपने a लिखा, सेकंड टर्म में क्या लिखा, a+d, थर्ड टर्म में क्या लिखा, a+2d, फोर्थ में क्या लिख रहे हो, a+3d, देख रहे हो एक यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जो फर्स्ट टर्म थी उसमें d था ही नहीं, था क्या, सेकंड टर्म में d एक बार, है नहीं है, थर्ड टर्म में d 2 बार, चौथी टर्म में d 3 बार, तो पाँचवीं टर्म में d कितनी बार होगा, 4 बार, आठवीं टर्म में d कितनी बार होगा, 7 बार, दसवीं टर्म में d कितनी बार होगा, 9 बार, होगा या नहीं होगा, मतलब जितनी टर्म है उससे एक कम चल रहा है, जितनी टर्म है उससे क्या चल रहा है, एक कम चल रहा है। अगर मैं बोल दूं nth टर्म, क्या बोल दूं n टर्म, तो एक कम चलेगा नहीं चलेगा बोलो, तो मैं इसको बोल दूं d कितनी बार चलेगा, एक कम चलेगा, n से एक कम, तो a+n-1 × d, देखो ये फिफ्थ टर्म थी तो 4d आ रहा था, अगर ये n टर्म है तो n-1d चलेगा नहीं चलेगा। तो किसी भी समानांतर श्रेणी का nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास में आ चुका है, ठीक है, और समानांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म यह है किसी भी समानांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करने का, a+d, समझो इस टाइप से, ये कैसे आया है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ NAP, क्या होगा an, क्या लिखोगे an, जैसे देखो पहले पद को मैंने लिखा a1, समझ रहे हो, दूसरे टर्म को लिखा a2, थर्ड टर्म को लिखा है a3, तो an निकाल रहा हूं मैं, तो इसलिए an, ठीक है, an इक्वल टू a+n-1 × d, बोलो सही है, ये क्या आ गया फॉर्मूला, an क्या है, nth
टर्म ऑफ एपी। क्लियर है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म। बोलो सही है, पहली पहला पद। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, ये चीज़ें बिल्कुल आसान सी चीज़ें। तो इस ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहाँ से पॉज कर लेना, ठीक है। आपकी केशव ग्रुप ऑफ स्कूल का जो ऐप है उस पर पॉज कर लेना, और लिखना चाहो तो वहीं से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे देखेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना हमने अपने को। अब देखो अपन क्वेश्चंस करते हैं, 5.1 है एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम। बुक दो मेरे को। देखिए भैया, और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बहुत छोटी सी किताब है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। इसमें करवाने का मेरा काम है, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग तोड़ा लिया अपन ने तो एक महीने में भी इस किताब को ख़त्म कर देंगे अपन, 1 मंथ में, इतनी छोटी सी किताब, ठीक है। हर बार मैं लास्ट में 1 महीने में 2 महीने में एक बार रिविज़न दे देता हूँ उसका, पूरी बुक का। इस बार पूरी कंटिन्यू मैं ही पढ़ाऊँगा 10, ठीक। चलो देखो, आपको एक्सरसाइज 5.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15, आपको फाइंड करना है ए और डी। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो ए मिल गया, ए इज 6। और डी कैसे आएगा? जब इसको आप क्या करोगे, डी क्या है? ए टू माइनस ए वन, ए टू इज 9, 6, 3। क्लियर है? देखो फिर है आपका एक है फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट में फिफ्थ, देखो चेक करो, -1, 1/4, 3/2। ए क्या है? -1। और डी क्या होगा मेरा? डी इक्वल टू 1/4 -1, तो आ जाएगा इसको 1/4 + 1 इक्वल टू 5/4। कर लोगे इस टाइप से, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, निकल जाएंगे। चलो कर लेना इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस हैं। फिर देखिए आप, ए और डी दे दिया आपको, किसी भी समानांतर श्रेणी में का फर्स्ट टर्म दे रहा है और कॉमन डिफरेंस, तो आपको क्या बनानी है? एपी। और एपी कहाँ तक बनानी है ये भी गिवन है, वो बोला फोर्थ टर्म तक, 4 पदों तक आपको क्या बनानी है? एपी बनानी है। तो देखो ए है आपका माइनस में 1.25, ठीक है, 6 क्वेश्चन ले लिए मैंने डायरेक्ट इसका। और डी है आपका माइनस में 0.25, ठीक। क्या होती है एपी बताओ? एपी होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2D होती है, ए प्लस 3D, चार ही तो पद निकालने अपने को। तो ए कितना है? माइनस में 1.25, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी? माइनस में 1.25 और ऐड होगा माइनस में 0.25, तो ये क्या हो जाएगा? -1.50। सही है क्या? सही है, ऐसे जुड़ता जाएगा। बोलो ठीक है, कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चंस को, ठीक है। डी की ए और डी पता है, आप रख लोगे, आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये नहीं देखना कि एक वैल्यू कम होती जा रही है तो एपी, ठीक है। देखो डी क्या था? नेगेटिव था, तो संख्या नेगेटिव में घटती जाएगी। डी क्या है? नेगेटिव है, कर लोगे, वैल्यू रखनी है ए प्लस डी, ए प्लस वगैरह इसमें। फिर आ जाओ, आपको चेक करना है कि इज दिस दे आर एपी और नॉट, आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लोगे आप, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देखें, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है,
ए फोर है, तो देखो क्या करेंगे अपन, डी वन निकालेंगे, मतलब पहला कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन, ए स्क्वायर माइनस ए, क्या आएगा, ए ब्रैकेट ए माइनस वन, आएगा नहीं आएगा। फिर निकालेंगे डी टू, डी टू को क्या लिखोगे आप, ए थ्री माइनस ए टू, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर ए माइनस वन, तो पहली बात तो यही पता चल गया ये नहीं है। फिर निकालेंगे आप डी थ्री, ए फोर माइनस ए क्यूब, ए क्यूब ए माइनस, भाई ब्रैकेट की तो चीज़ें सेम है लेकिन आगे ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, तो सेम थोड़ी है, अलग अलग है, तो ये ए पी नहीं है, ठीक है। फिर देखो आ जाओ इसके अंदर, रूट टू, रूट एट, रूट एटीन, रूट थर्टी टू, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन डी वन, डी वन आएगा रूट एट माइनस रूट टू, सोल्व करेंगे इसको, देखो एट है, इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टू इंटू टू, इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टू इंटू टू, बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकता। और यहाँ से रूट मतलब ये दो में से एक बार आ जाएगा, तो आ जाएगा अंदर टू रूट टू माइनस रूट टू, क्या कॉमन लूँगा रूट टू, तो क्या आ जाएगा टू माइनस वन, क्या बचेगा वन, तो आपका रिजल्ट क्या गया टू, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती। फिर आप निकालोगे डी टू, रूट एटीन माइनस रूट एट, रूट एटीन को मैं क्या लिख सकता हूँ नाइन इंटू टू, और नाइन को क्या लिख सकता हूँ, नाइन का रूट क्या हो जाएगा थ्री, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू इंटू थ्री इंटू थ्री, देखो एटीन ही होता है, नो इंटू टू, ठीक है। और इसको मैंने क्या लिखा था टू रूट टू अभी थोड़ी देर पहले, बोलो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा थ्री, थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, क्या कॉमन लेंगे रूट टू, थ्री माइनस टू क्या आ गया वन, तो रिजल्ट क्या आया रूट टू, ठीक है। एक और चेक करेंगे अभी, एक और डी थ्री, रूट थर्टी टू माइनस रूट एटीन, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सोलह दूना बत्तीस होता है, ठीक है, सोलह का रूट क्या हो जाएगा फोर रूट टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर रूट टू, आप टू इंटू टू इंटू टू में कन्वर्ट करोगे फोर रूट टू, भाई फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू रूट टू रूट थर्टी टू हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं थ्री रूट टू, क्या कॉमन लेंगे रूट टू, फोर माइनस थ्री क्या आ रहा है रूट टू, देखो डिफरेंस डी वन डी टू डी थ्री क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है ये ए पी है, ठीक है, क्या है समानांतर श्रेणी, हो गया कर लोगे 5.1, ठीक है। आप आ जाओ 5.2 पे, देखो वो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन देखना, सीरीज चल रही है आपकी रूट टू थ्री रूट टू फाइव रूट टू, क्या निकालना है इसका एटीनथ टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है एटीन टर्म निकालनी है, कौन सा पद निकालना है आपको अठारहवां पद, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, बोलो क्या फाइंड करना है ए एन, तो एन की जगह क्या लिखोगे आप ए एटीन, एन क्या आपका एटीन है या नहीं है, एन क्या है एटीन, ए कितना है रूट टू, पहला पद देखो क्या है रूट टू है या नहीं है, ए क्या है रूट टू, एन कितना है एटीन, एटीन माइनस वन, और डी निकाल लेते हैं, तो डी कैसे आएगा डी इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस रूट टू, क्या कॉमन आ गया रूट टू, थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा टू रूट टू, बोलो तो ए एटीन क्या आ गया आपका रूट टू प्लस ये डी सेवनटीन हो जाएगा, और डी कितना है टू रूट टू, इसको सोल्व कर लोगे आ जाए, बोलो समझ में आ गया क्या ये सब,
ठीक है, फिर आ जाओ। ठीक है, वो पूछ रहा है सेकंड में, देखो पहले एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड का सेकंड। एक सीरीज चल रही थी आपकी 84, 80, 76। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, वो बोल रहा है कि का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, का कौन सा पद शून्य है, वो ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा आपसे, एन पूछ रहा है या एन पूछ रहा है बताओ। एन पूछ रहा है ना, पद की बात कर रहा है वो। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है वो, कौन सा पद, कौन सी टर्म जीरो है। तो ए एन कितनी है, अपन सोच लेते हैं एन वा पद जीरो है। क्या है, एन वा पद। तो ए एन कितना आ गया, जीरो। भाई एन वा पद क्या है, जीरो। ठीक है, एन फाइंड करना अपने को, क्या फाइंड करना है, एन। तो देखो डी कितना आ जाएगा इसमें से, डी कितना आ जाएगा, 80 माइनस 84। इसमें से इसको लेस करेंगे, डी आ गया आपका -4। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन है जीरो, ए कितना है 84, एन माइनस वन, एन तो निकालना ही है, और डी कितना है -4। बोलो सही है या नहीं है। तो देखो 84 को मैं इधर भेजूंगा तो -84, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एन इक्वल टू 22। मतलब जो 22 टर्म है, 22वीं जो टर्म है, उसमें अगर आप चलोगे ऐसे, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, तो 22वीं टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एन जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, जी कर लोगे। फिर देखो वो पूछ रहा है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम में कोई पद 301 है क्या नहीं है। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताओ पहले, अगर मैं, आप स्कूल में प्रेयर करते हो, ठीक है, सारे बच्चे एक बराबर गैप में रहते हैं, सपोज एक हाथ का एक फुट का, दो फुट का गैप करते हैं, तो एक एपी बन रही है, एक तरीके से समानांतर श्रेणी बन रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि बच्चा या तो पहले नंबर पे होगा, एक लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले नंबर पे होगा, फिर दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे नंबर पे होगा, फिर चौथे नंबर, क्या कोई ढाई नंबर पे हो सकता है क्या बच्चा, बोलो। चलो ठीक है, आपके घर में बहुत सारी भैंस हैं, आपके कोई एक अटवाड़ा है, दूध दूध पीते हो दबा के इसकी जैसे, तो किसी के पास में 100 भैंस हैं, 100 भैंसों को उसने जमा दिया एक लाइन से, तो बताओ पहले नंबर पे कोई भैंस होगी, दूसरे नंबर पे होगी, कोई तीसरे नंबर पे होगी, कोई चौथे नंबर पे होगी, कोई पांचवें नंबर पे होगी, ऐसे हो जाएगी कोई 5.5 नंबर पे आ गई भैंस, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर भी एन क्या डेसिमल में हो सकता है क्या, दशमलव के बाद में हो सकता है क्या, एन नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर n की वैल्यू दशमलव के बाद में आ रही है तो मतलब वो एपी नहीं हो सकती, क्योंकि पद पूर्णांक में होंगे, पद किस में होंगे, इंटीजर्स में होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म किस में होगी, इंटीजर्स में होगी। बच्चा 6 नंबर पे, 7 नंबर पे ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा 6.5 नंबर पे, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई पद क्या है 301 है। एक सीरीज दे दी 17 और ऐसे का कोई पद 301 पे है क्या, ठीक है। तो मतलब अपने को n निकालना है एक तरीके से, भाई पद ही निकालना है। अगर n मेरा पूर्णांक में आ गया तो मतलब है, और अगर नहीं है तो मतलब ये नहीं हो सकता, 301 कोई पद नहीं हो सकता इस सीरीज का। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो a कितना है मेरा 5, d कितना आ जाएगा 11 माइनस 5, कितना आ गया 6, ठीक है। a n कितना है, n वा पद ले लेते हैं, अपन सोच लेते हैं भाई n वा पद है वो 301 है, ठीक है, एन टर्म है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन कितना है 301, ए कितना है 5, एन निकालना है
डी कितना है 6, इसको सोल्व करना। अगर डी मेरा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, इंटीजर आ गया, तो मतलब 301 क्या है इस सीरीज का, एक पद है। और अगर एन डेसिमल में आ गया, दशमलव में आ गया, जैसे भाग देने पर कुछ आ गया, ठीक है, दशमलव के बाद में, तो मतलब इसका कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई? क्योंकि सीरीज में जो टर्म चलती है वो पूर्णांक में चलती है, इंटीजर्स में चलती है। 1, 2, 3, 4, 5, ये पहला पद होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे ऐसे चलेगा। ऐसे नहीं 8:30 पे कोई पद आ गया, ठीक है। तो एन यहाँ से अगर क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, तो मतलब ये क्या है, पद है। 301 इस सीरीज का क्या है, पद है, वरना नहीं है, निकल जाएगा। सोल्व कर लोगे इसको, एन ही तो रह रहा है इसमें, इसको इधर भेजना, डिवाइड वगैरह करना, कर लोगे? बोलो, हैं, आएगा, जबकि बात नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है, मिटा दूँ इसको। 2-3 दिन में एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, फिर 6 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो पहले एक बार फोर्थ क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं। किसी समांतर श्रेणी के थर्ड और नौवे पद क्रम से दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है, किस कोई भी समानांतर। ए, आपने एक चीज देखी, ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको ए पता लग जाए, एन पता लग जाए, डी पता लग जाए, तो ए एन पता लगा लोगे। मतलब चार अननोन होते हैं इसमें, देखो, एक तो 1, 2, 3, 4, अगर 3 पता चल जाए तो चौथा तो पता कर ही लेंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो 3 पता होना चाहिए अपने को, 3 अगर पता है तो अपन ये फॉर्मूला लगा के अपन पता कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले वो बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन समझा रहा था मैं आपकी बुक का, कि अगर तीसरा पद क्या है, 4 है, तो मतलब A3 क्या है, 4, ठीक है, और नौवा पद क्या है, A9 क्या है, -8, समझ रहे हो? ये दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो A3 कितना है, इतना है, और A9 इतना है। तो इन दोनों से पहले इसको सोल्व करेंगे। तो An का फॉर्मूला क्या होता है, An का फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे भैया A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलो होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए लिख रहा हूँ मैं A3 के लिए, क्या लिखूँगा A3 के लिए, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A3 क्या आ जाएगा मेरा, A+3 -1 × D, बोलो। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, A3 को A+3 -1 × D = 4, बोलो आ जाएगा नहीं आएगा? अब मैं A9 के लिए निकाल रहा हूँ, यही फॉर्मूला था मेरे पास सेम, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिखूँगा, 9, तो A+9 -1 × D, तो A+8D, तो यहाँ से आ जाएगा A+8D = -8। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को क्या करेंगे, लेस कर देंगे एक दूसरे से, ठीक है, लेस कर देंगे। तो देखो, A+2D = 4, A+8D = -8, दोनों को लेस करोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा क्या, -6D, और यहाँ से कितना हो गया, 12, तो D कितना आ गया मेरा, -2। अगर मेरे पास D आ गया तो D मैं यहाँ रख दूँ तो A भी आ जाएगा, बोलो आ जाएगा नहीं आएगा? तो D मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो D यहाँ रख रहा हूँ, तो -2, ठीक है, इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखो, पुट D वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन वन में पुट कर दो D की वैल्यू। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, A+2D = 4, तो A+D क्या है, -2, तो -4 हो जाएगा, तो A कितना आ जाएगा, बोलो सही है, ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, इसका कौन सा पद क्या है, शून्य है। तो An मान लो, इसका कौन सा पद शून्य है, An, n वा पद क्या है, 0 है, तो An = 0, बोलो n वा पद क्या है इसका, 0 है, ठीक है। तो An का फॉर्मूला वापस लिखेंगे, A+n-1 × D = 0।
तो देखो ए पता है, डी पता है, एन आ जाएगा, बोल ए और डी आ गया तो कर लोगे। तो मतलब अगर दो पद दे दे किसी भी समानांतर श्रेणी के तो दो इक्वेशन बनेंगी, उनको लेस करना है, क्योंकि हमेशा ए अकेला आएगा, क्योंकि ए पी के एन वे पद का फॉर्मूला है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस आएगा तो ए अकेला आएगा, दूसरे वाले में भी ए आएगा, दोनों को लेस करोगे ए से कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या बच जाएगा डी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। फिर देखो एक सिक्स क्वेश्चन देखो, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं जो सात से विभाज्य हैं। ठीक है, देखो तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं जो सात से विभाज्य हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तीन अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। तीन अंकों वाली संख्याएं जो भैया 100 से स्टार्ट होती हैं और इस पे खत्म हो जाती है, बोलो। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मुझे कौन सी संख्याएं लेनी है तीन अंकों वाली जो सात से डिविजिबल है। तो पहले तो मुझे पता करना है कि भाई सात से डिविजिबल है, तो पहले सबसे पहले संख्या 100 के बाद में कौन सी होगी बताओ। 100 तो हो नहीं सकता, तो कैसे पता करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका एक आसान तरीका होता है कि जैसे मान लो कि 5 कोई नंबर है, उसको मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर 3 होता मैं इसको लिख दूँ 3 प्लस 2, तो ये 3 तो डिवाइड हो जाएगा, अब रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। तो अब 2 में मैं दो काम कर सकता हूँ, या 2 में या तो मैं 1 जोड़ दूँ या 2 घटा दूँ, समझ रहे हो। इस 5 में क्या, ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है उसको हटाना होता है अपने को। रिमाइंडर को क्या होता है भाई, शेषफल को आपने क्या कर दिया 0, तो भाग पूरा पूरा चले गया, बोलो है नहीं है। अगर कोई भी अगर आप भाग दे रहे हो उसमें अगर शेषफल बच रहा है तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, और शेषफल को आप क्या कर दो 0 कर दो तो भाग पूरा पूरा चल जाएगा। तो शेषफल कितना बच रहा था इसमें 2, तो 2 को मैं हटा दूँ। ठीक है, तो 2 को हटा दो, नंबर क्या था मेरा 5 में से 2 को हटा दो, देखो अब भाग चल जाएगा, बोलो चल जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, अब लेकिन 2 को मैं इस रिमाइंडर के साथ में 2 काम कर सकता था, या तो 2 को हटा दूँ या रिमाइंडर में उतना जोड़ दूँ कि डिवाइड हो जाए, तो प्लस 1 भी कर सकता था मैं इसमें, तो 5 में 1 जोड़ता तो भी भाग चल जाता। तो ये जोड़ना है या घटाना वो अपना होगा, इस पे डिपेंड है। अगर देखो अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, अभी मैं 100 में क्या कर रहा हूँ 7 से डिविजिबल नंबर निकाल रहा हूँ, तो 100/7। ठीक है, तो भाग दो, कितना बच गया 3, कितना बच गया 2, रिमाइंडर बच गया नहीं बच गया, बोलो 2 रिमाइंडर। अब अगर मैं 2 क्या कर दूँ, रिमाइंडर को हटा दूँ 2 को, किस में से 100 में से, तो 100 में से अगर मैंने 2 को घटा दिया तो देखो 98, भाग तो मेरा पूरा पूरा चले गया लेकिन संख्या क्या हो गई 2 अंकों की हो गई। मुझे क्या करना था 3 अंकों की, तो इसलिए इसमें मैं क्या करूँगा, कितना ऐड करूँगा 5, 2 ऐड नहीं करूँगा 5, समझ रहे हो। वैसे देख लो 98 के बाद में अगली संख्या कौन होगी जो 7 से डिवाइडेड होगी 105, 7 ऐड कर दोगे ना इसमें, आ गया समझ में। तो मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 5 ऐड कर देता हूँ, देखो रिमाइंडर में 2 प्लस 5 तो 7 हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा ये, तो मतलब 5 किस में ऐड करना है इसमें, तो 105 पहली संख्या क्या है जो 7 से डिवाइडेड है। अब इसमें अपन जोड़ेंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, अगर 1 भी जोड़ दिया आपने तो 4 अंकों की संख्या हो गई, समझ में आ गया। तो इसमें 7 से डिवाइड करो, इसको करो, बताओ मुझे कौन सी संख्या होगी, फटाफट बताओ। कितना कम करेंगे, 2 कम नहीं 4 कम करेंगे यार, हैं 5 कम करेंगे, 5 हाँ 9 9 4 आ जाएगा,
अब डिवाइड करो, इसको डिवाइड करके देख लो ना, चेक कर लो एक बार, करो इसको 994 142, ठीक है ना, डिवाइड करके देख लो एक बार, ठीक है। वन फोर टू, हाँ सही है, और फिर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये पहली पद हो गया, ये क्या हो गया, अंतिम पद जो सात से डिवाइड है। तो आप बताओ अगर पहला पद मेरा सात से डिवाइड है तो अगला भी क्या होना चाहिए, सात से डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब इसमें सात ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 112, ठीक है। अब आगे की जरूरत नहीं है, और ये कहाँ तक, 994। अच्छा डी कितना है इसका, 7। ए कितना है, ये डी हो गया मेरा, ए कितना है, 105। ए एन कितना है, 994 है न अंतिम पद, तो एन निकल जाएगा क्या यहाँ से बताओ, तो कितने पद हैं सात से डिवाइड, तीन अंकों वाले आगे, यही तो निकालना था अपने को, क्या निकालना था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन निकालना था कितने तीन अंकों वाली ऐसी संख्या है जो सात से डिविजिबल है, तो आ जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी यहाँ से कितनी है, क्योंकि अपने पास ए एन आ गया, ए आ गया, एन निकालना है और डी पता है, लग गया क्या, डी कितना है 7, ए कितना है 105, ए एन कितना है अंतिम पद 994, यहाँ रखोगे एन ही तो रह जाएगा, कर लोगे। देखो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं तो आप ये कंप्लीट करना, कल 5.2 भी ख़त्म हो जाएगी और 5.3 भी ख़त्म हो जाएगी, फिर एक दिन अपना इसमें मिसलेनियस का, ठीक है, मतलब अगले दो दिन में ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके बाद में 6 एक्सरसाइज की, थोड़ा सा पढ़ने लग जाना टाइम निकाल के घर पे, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, अगर रेगुलर पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी, और अगर छोड़ दोगे जैसे आज नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी 10-15 दिन बाद में, क्योंकि अब ये पता नहीं कब रिपीट होगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, साथ के साथ काम करते चलो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वहीं पूछ लो, ठीक है भाई, चलो।